व्हाट इज अप एवरीबॉडी, दिस इज अ गाय वाइल्ड अजय, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। सो गाइस, आज हमने मीटिंग की है द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ स्नेक के साथ। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही पकड़ा है, वो है इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा, जिसे भारत में भारतीय नाग के नाम से जाना जाता है। तो गाइस, इस सांप को इंडिया का बच्चा बच्चा पहचानता है इसके हुड के वजह से। तो गाइस, ये स्नेक बहुत ज्यादा वेनमस होता है। इंडिया के जो बिग फोर है उनमें से एक है हमारा भारतीय नाग, तो इसे आज हमने रेस्क्यू किया है और आज पहली बार ये हमारे YouTube चैनल पे आ रहा है, तो मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ और मुझे पता है कि आप लोग भी उस स्नेक को देखने के लिए उतने ही ज़्यादा एक्साइटेड होंगे। वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो गाइस जल्दी से जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि वाइल्ड आरजे हर महीने देखो एक नई वाइल्ड लाइफ रिलेटेड वीडियो लेके आता है, तो वो वीडियो आपसे मिस ना हो जाए, तो जल्दी से जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो गाइस, बिना किसी टाइम को वेस्ट किए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नीट का ना है जब बक्सी में कुछ ये जागा थोड़ा तो भाई देख सकते हैं आप, इंडियन स्पेक्टेकल कोबरा है। आड़ो आड़ो पकड़, आड़ो पकड़ मित्र, आड़ो वही एक कुत्ता तो ना कुत्ता तो पुट्टो पर कैसा पुट्टा पुट्टा बुप्पा बुप्पा वो ये रहता है ना पुट्टा 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 दस पेन जैसा। हाँ वही सर, तो आवाज पर कैसा करता मैं वो देख सकते हैं आप, गाइड कैसे घूम कर रहे हो पूरा गुस्से में। कॉमन इंडियन स्पेक्टेकल कोबरा गाइड है। आंटी नोटबुक रहता है ना उसका पट्टा, हाँ पट्टा वो बोला भी मैंने। गर्दी सामने तो देखिए गाइस, इंडियन स्पेक्टेकल कोबरा है कैसे खड़ा है गाइस। तो गाइस आप देख सकते हैं छोटा सा इंडियन स्पेक्टेकल कोबरा है, 3-4 महीने का रहेगा। तो भाई साहब ने पैक कर लिया, अभी इसको रिलीज कर देंगे। ये दूध छोड़ना है? हाँ दूध ही। Oh my god, they can get it. Oh my god, I can't live it for my pride. I'm about to kill this shit, I'm a wide. Till I be getting it, nobody digging it. I do not give a shit, everyone's digging it. No single pick of me, killing the fact that a motherfucker like me is just going to rip this shit. So guys, यह अमित सिंह अंकल है और दिलीप चेरा अंकल है, जिन्होंने हमें कॉल किया था स्नेक करके। तो देख सकते हैं आप, बहुत प्यारा सा इंडियन स्पेक्टेकल कोबरा है, तो जिसे हमने रेस्क्यू कर लिया, अभी हम इसको रिलीज कर देंगे थोड़ी देर। हमने जो अभी स्पेक्टेकल कोबरा रेस्क्यू किया था, तो हम आए तुरंत उसे रिलीज करने। तो गाइस, सांपों का ब्रांड एम्बेसडर इसे हम कह सकते हैं, साइंटिफिक नेम नाजा नाजा, तो बहुत कॉमन रहता है गाइस, और लोग इससे बहुत ज़्यादा डरते हैं। पर गाइस, ये सांप है ना सबसे ज़्यादा अच्छा सांप है वेनमस स्नेक में, अगर मैं बोलूँ तो, क्योंकि 80% टाइम है ना ये मुंह बंद करके सिर्फ अपने को डराने के लिए फाइट करता है, क्योंकि वो अपना जहर इंसान के ऊपर खर्च नहीं करना चाहता, तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। और नागपंचमी के टाइम स्पेशली है ना लोग नागों को दूध पिलाते हैं, पर दूध नागों के लिए
जहर का काम करता है। दूध को नाक बचा नहीं पाता, नाक क्या कोई भी सांप दूध को नहीं बचा पाता। तो अगर आप दूध पिला रहे हो तो सांप की मौत निश्चित है। तो अगर हम जिसे भगवान मारते उसे मारेंगे नहीं ना, तो आप लोग को नाग पंचमी के टाइम दूध नहीं पिलाना है। तो वैसे आप देख सकते हैं पूरा इलाका, देख सकते हैं आप पूरा, यहाँ पे ग्रास लैंड है तो बहुत अच्छे से रहेगा ये कोबरा यहाँ पे। और यहाँ पे पानी है जो बारिश की वजह से नेचुरल वाटर जो पहाड़ों के ऊपर से आता है तो वो यहाँ से जाता है। तो यहाँ पे हम इसे रिलीज कर देंगे। तो एक बार देख लीजिए इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा, तो अभी पूरे गुस्से में वो फन निकल के, तो अभी हम इसे यहाँ पे रिलीज कर देंगे गाइस। देखिए गाइस पानी के बहाव के साथ जा रहे हो, चला गया गाइस। तो गाइस ये था इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा जिसे हमने सेफली रेस्क्यू करके रिलीज कर दिया है। और गाइस वीडियो में आपने देखा होगा कि मैंने एक भी बार उस स्नेक को हाथ नहीं लगाया। और गाइस मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी बिल्कुल भी किसी भी स्नेक को हाथ मत लगाया बिना एक्सपीरियंस के। और गाइस आपने देखा होगा कि पकड़ते वक्त मैं इतना ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड था कि मैंने बस आपको इतना ही बताया कि वो एक कॉमन इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा है, बस इतना ही बताता रहा मैं। क्योंकि उतना कॉन्सेंट्रेशन लगता है गाइस स्नेक को रेस्क्यू करते टाइम, क्योंकि जान के साथ धोखा हो सकता है। तो गाइस मैं इतना डर के अगर रेस्क्यू कर रहा हूँ तो गाइस आप लोग तो बिल्कुल भी स्नेक के पास मत जाइए। स्नेक आया तो आप किसी भी स्नेक रेस्क्यू को कॉल कर सकते हैं, वो आके स्नेक रेस्क्यू करके चला जाएगा। और गाइस अगर गलती से आपको स्नेक बाइट हो गया तो देन एंड देयर आपको गवर्नमेंट हॉस्पिटल भागना है, क्योंकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में है जो हमको एंटीडोट मिलता है, तो जिसके वजह से हमें गवर्नमेंट हॉस्पिटल भागना है। तो गाइस ये थी आज की वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी तो आप जानते हो आपको क्या करना है, मेरी वीडियो को लाइक कर देना है और वीडियो को शेयर कर देना है गाइस। सो गाइस ये थी आज की वीडियो। मैं आपका अपना वाइल्ड आरजे फिर से आऊँगा ऐसी कुछ नई वीडियो लेके। टिल देन लिव यंग लिव फियरलेस एंड स्टे वाइल्ड। सो चलिए गाइस बाय।